इलन मस्क का रियूजेबल रॉकेट अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने की लागत को कम करने का एकमात्र तरीका नहीं है। दोनों प्रौद्योगिकियां ऐसी भी हैं जहां उपग्रह प्रक्षेपण की लागत को कम करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिनमें से एक तकनीक का आविष्कार 1950 के अंत में हुआ था, जिसका कोड नाम था प्रोजेक्ट हार्प। ये वास्तव में 16 इंच व्यास वाली तोप थी जो अधिकतम 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक गोले दाग सकती थी। इसे मूल रूप से उपग्रह प्रक्षेपण के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी और आर्थिक समस्याओं के कारण इसे रोक दिया गया। हाल ही में स्पिन लॉन्च नामक कंपनी वैक्यूम सील्ड सेंट्रीफ्यूज की मदद से लगभग 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम हुई है। अगर यह सफल रहेगा तो भविष्य में छोटे उपग्रहों को भेजने के लिए रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।